दोस्तों, क्या आपको भी लगता है सब्सक्राइबर बटन बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है? जो आप नीचे देख रहे हो ये बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। बहुत ही ज्यादा आसानी से 2 मिनट के अंदर इस वीडियो को देखकर आप एक सब्सक्राइबर बटन तैयार कर सकते हो अपने चैनल के लिए। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्टफोन के ऊपर और दिखाते हैं किस तरीके से आपको एक सब्सक्राइबर बटन बनाना है। सेम इसी तरीके से आप सब्सक्राइबर के साथ साथ इंस्टाग्राम जो बटन है उसको भी बना सकते हो। तो वीडियो को देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया मैंने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको काइनमास्टर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप सिंपली ओपन कर लो। तो काइनमास्टर में काफ़ी आसानी से मैं बनाना बताऊंगा आपको किस तरीके से बनाना है सब्सक्राइब बटन एंड इंस्टाग्राम बटन। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, तो सिंपली प्लस पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाती है, जैसे 6:9, 9:16 एंड दोस्तों 1:1। तो यहाँ पर आपको सिंपली 16:9 पे क्लिक करना होता है। जैसे आप 16:9 पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको काइनमास्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सिंपली एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रीन स्क्रीन बटन का लिंक दे दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, छोटा सा वीडियो है। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम का अगर बनाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप मीडिया में जाओगे एंड दोस्तों, जहाँ पे भी वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको शो करने लगेगा। तो वहाँ पे आप जाके जैसे मैंने इसी तरीके का शो करेगा तो आपको सिंपली उसे इंपोर्ट कर लेना है। जैसे सब्सक्राइबर बटन को आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक कर देना होता है एंड देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का आपको सब्सक्राइबर बटन वो डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट होके मिलेगा। कुछ इसी तरीके का आप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड दोस्तों, यहाँ पर अब आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सब्सक्राइबर बटन बनाना एंड अपने वीडियो में लगाना। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने चैनल का लोगो यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। उसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, जो भी आपके यूट्यूब चैनल का लोगो है वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये चैनल का लोगो आप देख सकते हो, तो सिंपली इसी पे सेलेक्ट कर देना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आप जैसे ही आप अपने चैनल का लोगो आ जाता है तो सिंपली आपको सेट करना होगा सबसे पहले तो लोगो। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप अपने लोगो पे नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बट आपको यहाँ पर ये जो रेड लाइट होगी उसको आपको बीच में ले जाना होगा ताकि सब्सक्राइबर बटन ऊपर आ जाए और आप आसानी से सेट कर पाओ। तो अब आपका काम है, यहाँ पर आप इसको जितना हो सके उतने आसानी से, आराम से और अच्छे से सेट कर लो एकदम व्हाइट वाले लाइन पे। यानी कि दोस्तों, इसी तरीके से कुछ आपको सेट कर लेना है। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आप बहुत ही आसानी से इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सटीक यहाँ पर सेट कर लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए बाद में बनने के बाद। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने कैसे सेट कर दिया है। आप इसे थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से अच्छे से सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही से नहीं सेट करोगे तो वीडियो में थोड़ी सी आपको अच्छा ये देखने को नहीं लगेगा। तो अपने चैनल का लोगो कुछ इस तरीके से कॉर्नर में आपको सेट करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो देख सकते हो आप, लोगो मेरा इस तरीके से लग गया। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिखना होगा, उसके लिए आपको फिर लेयर में जाना होगा एंड दोस्तों टेक्स्ट में जाना होगा। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको अपने चैनल का नेम जो है वो यहाँ से टाइप कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम टाइप कर लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा चैनल का नाम बड़ा है तो कुछ इस तरीके से मैं इंटर करके इसे नीचे कर लूँगा शिवम को। तो इसी तरीके से आप भी अगर चैनल का नाम बड़ा है तो रिकमेंड करूँगा कुछ इसी तरीके से आप लिख देना एंड ओके कर देना। अब आपको अपने चैनल का नाम भी आपको ले जाकर सेट करना होगा बहुत ही आसानी से इसी पे। तो आप अपने ये रेड लाइट जो है उसको बीच में ले जाइए एंड लाइन जो है उसको अब आपको अपने इस टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इसी वाले ऑप्शन पर रख देना है, व्हाइट वाले पेपर पर रख देना है। तो जैसे आप इस पर रखोगे अब आप इसको कलर वगैरह सेट कर दो। तो इस पर आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है नीचे एंड दोस्तों यहीं पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है व्हाइट कलर का। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट में सेट है बाय डिफॉल्ट, तो इस पे क्लिक करना है एंड आप जो भी कलर रखना चाहते हो, मान लो रेड रखना चाहते हो तो रेड पे क्लिक कर दो एंड इस पे टिक कर दो। अब आप देख सकते हो ये जो मेरी ये भी टेक्स्ट आएगा वो रेड पे होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक शैडो का ऑप्शन मिलेगा, उसको बंद कर देना है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर लुक होगा, चाहे तो आप इसे ब्लैक कलर में भी कर सकते हो, काफी अच्छा लुक देखने को लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ब्लैक में कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है एंड इसे बड़ा छोटा आप एडजस्ट कर लेना। बट यहाँ पर अभी इसका जो फ्रंट है वो भी हमें अच्छे से सेट करना होगा ताकि अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैं इसे फिर टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रंट ऊपर आपको AAA देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फंट मिल जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पर रोबोटिक, यहाँ पर रोबोट मीडियम पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर ऊपर टिक पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा और थोड़ा सा जो इसका साइज था वो थोड़ा सा जरूर बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से नाम लिख दिया। अब दोस्तों इसे प्ले करके एक बार चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखो कुछ इस तरीके से अभी चल तो रहा है, बट यहाँ पर जो मेरी लोगो है चैनल का वो मूव नहीं हो रहा है। तो उसको मूव कराने के लिए आपको सिंपली लोगो पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर चलो मैंने लोगो पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर आपको एक इन एनिमेशन का ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ढेर सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्लाइड अप वाले पे क्लिक करके यहाँ पर टिक कर देना है। अब आप वीडियो को प्ले करना और अब देखो डिफरेंस।
सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो वीडियो के साथ मेरा लोगो बिल्कुल सटीक ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पर दोस्तों लोगो क्या है कि थोड़ा सा मेरा बड़ा है, तो इसको चलो बड़ा कर लेता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मेरा लोगो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए टाइमिंग थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करके छोटा कर लूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं टिक करूँगा एंड अब प्ले करते हैं, अब देखना। सो फ्रेंड्स अब जैसे ही मैंने प्ले किया ये देख सकते हो लोगो बिल्कुल साथ में आ रहा है, बट यहाँ पर आपको लास्ट में एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अब कि यहाँ पर टेक्स्ट तो नीचे चला गया बट लोगो नहीं गया। तो फिर हम लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक आउट एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको एकदम स्लाइड डाउन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी वीडियो के साथ साथ हमारा जो भी लोगो है वो भी नीचे चला जाए। तो अब वीडियो को प्ले करिए, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोगो तो नीचे जा रहा है बट यहाँ पर अभी भी टेक्स्ट हमारा जो है उसको भी हमें एनिमेशन देना होगा। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इन एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हमें इस पर ढेर सारे अभी मिलेंगे, बट वही वाला हमें ऑप्शन चूज करना है स्लाइड अप। तो हमें स्लाइड अप पे क्लिक कर दिया, अब देखो अब सारी चीज़ें बिल्कुल साथ में होंगी, टेक्स्ट आया, लोगो आया एंड सब्सक्राइब हो चुका है, बट टेक्स्ट अभी भी ऊपर ही रह जा रहा है। तो यहाँ पर फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आउट एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स आउट एनिमेशन में आपको स्लाइड डाउन वाले पे क्लिक कर देना है, अब साथ ही साथ ये वीडियो के साथ टेक्स्ट भी नीचे जाएगा। अब प्ले करते हैं फाइनल, आप देख सकते हो ये देख सकते हो आप साथ में आया, साथ में गया सब कुछ एंड आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कोने में शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको फुल एचडी क्वाड यहाँ पर 1440p पे यहाँ पर आपको सेट करना है 13fps पर एंड एक्सपोर्ट कर देना है नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि एक छोटा फाइल है। अब आप देख सकते हो एक्सपोर्ट तो हो गया बट हम अपने वीडियो में यूज़ कैसे करें। सो फ्रेंड्स काइन मास्टर में जब भी आप वीडियो बनाते हो अब आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है वीडियो के अंदर लेयर पे, लेयर पे क्लिक करोगे एंड मीडिया पे क्लिक कर देना एंड जो भी आपने एक्सपोर्ट किया था जो भी ग्रीन स्क्रीन से बनाया आपने उस पर क्लिक कर देना। सो फ्रेंड जो भी आपने सब्सक्राइबर बटन बनाया था कुछ इस तरीके से इंपोर्ट होगा, तो इसको आपको इस पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने वीडियो के अंदर, यानी जहाँ पे भी आपको लगाना है सिंपली उस पर आपको एडजस्ट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नीचे लगाता हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर नीचे इसे सेट कर देता हूँ एंड आपको अब जाना है यहीं पर राइट साइड में नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की, उसको आपको इनेबल कर देना है। अब आप देख सकते हो ये किस तरीके से हमारे वीडियो के अंदर ये लग चुकी है, चलो प्ले करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सब्सक्राइब बटन एंड बेल बटन को आप इसी तरीके से सेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको इंस्टाग्राम बटन भी बनाना है, मैं ग्रीन स्क्रीन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके बना लेना। तो बस तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करना, कमेंट में बताओ कि क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ प्रेस कर लेना बेल आइकन ताकि नए वीडियोस की जानकारी जब भी लाऊं तो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।